हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, मैं नवनीत सर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। ठीक है, आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो एक्चुअली प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट, ये सब क्या होता है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा पजल होते हैं। इट्स सो मेनी पजलिंग, क्योंकि एक्चुअली रीज़न क्या है, ठीक है, क्योंकि इसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ है। प्रैक्टिकल चीज़ बोले तो ये मेजरमेंट से रिलेटेड है, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको समझाने का, और बड़े ध्यान से बात सुनना, तब जाके चीज़ें समझ में आएंगी बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहला जो बात करते हैं वो एक्यूरेसी की बात करते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी एक्यूरेसी की? ठीक है, क्यों, क्या बात है एक्यूरेसी, क्या चीज़ होती है? सबसे पहले मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, जब से आप फिजिक्स में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो वो एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे यार, हवा में तो करोगे नहीं। ठीक है ना, किसी न किसी मशीन का, किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लोगे, किसी सिस्टम का हेल्प लोगे, कोई नया सिस्टम बनाओगे तो इंस्ट्रूमेंट करोगे। तो एक्चुअली जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, मीन वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू से जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो हमेशा डिफर करती है, ऑलवेज। बाय द चांस कभी कभी एग्जैक्ट मैच कर जाता है, पर ऑलवेज नो एक्सपेरिमेंट इज एररलेस। ठीक है, सभी में कुछ ना कुछ ज़रूर एरर आता है। तो ये जो एरर आता है, हम ये हमेशा चाहते हैं, एरर बहुत गलत, मतलब बेकार चीज़ होती है यार। ठीक है, सॉफ्टवेयर बना रहे हो, एरर आ गया, पूरा सॉफ्टवेयर ख़राब है। ठीक है, सेटेलाइट बना रहे हो, एरर आ गया कोई, मतलब उसमें तो कितनी गंदी बात, बड़ा ओड सा लगता है। मैं भी काम करता हूँ बहुत सारा, मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह पे ऑनलाइन मान लो काम करता हूँ, कोई एरर आ जाता, इतना बुरा फील होता अंदर से। ठीक है, तो वो चीज़ एरर थोड़ी सी बड़ी गजब सी चीज़ है। तो एक्यूरेसी क्या होती है, चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो एक रॉड है, ठीक है, ए रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है। इस रॉड की जो एक्चुअल लेंथ है, चलो एक्चुअल लेंथ है, वो जो लेंथ है, एक्चुअल लेंथ मान लो कुछ 5.6 सेंटीमीटर है, ऐसा कुछ मान लो। ठीक है, ये जो रॉड है इसकी एक्चुअल जो लेंथ है, 5.6 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, चलो तो ये अब इसको मैंने मेजर किया। ठीक है, इसको मैंने एक बार मेजर किया। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब मेजरमेंट किया तो मुझे रिजल्ट आया 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने दूसरी बार इसी को मेजरमेंट किया तो मुझे अलग रिजल्ट आता है। क्यों ऐसा होता है? 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो L मैंने तीसरी बार मेजरमेंट किया तो मुझे मिला 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने तीसरी बार मेजरमेंट किया, फोर्थ टाइम मेजरमेंट किया, मुझे मिला 5.0 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.0 सेंटीमीटर। तो जब जितनी बार मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ उतनी बार इस रॉड की लेंथ अलग अलग मिलती है। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? तो अब मैं जितनी बार एक्सपेरिमेंट किया उतनी बार मुझे अलग अलग वैल्यू मिली। ठीक है, अब चलो इन वैल्यू की स्टडी करते हैं, इन वैल्यू में देखते हैं ऐसा क्या बात है, एक्यूरेसी क्या चीज़ होती है। ठीक है, ये देखो, ये जो अलग अलग वैल्यू हैं, सबसे ज़्यादा गलती किस में की हो, सबसे ज़्यादा एरर इस वाले में आया है। ठीक है, ये बहुत बेकार सा है यार, बहुत गंदा सा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे अच्छा वाला मेजरमेंट ये वाला है, क्योंकि ये सबसे सबसे क्लोज वैल्यू के बहुत पास है। ठीक है, 0.1 आता तो एग्जैक्ट मैच कर जाता, सबसे मिनिमम एरर इसमें आया है, मैक्सिमम एरर इसमें आया है, ये हमें देखने से ऐसा लग रहा है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो सबसे एक्चुअल वैल्यू के सबसे क्लोज है, एक्चुअल वैल्यू के सबसे क्लोज है, सबसे पास है, है तो भी पर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एरर है। सबसे सबसे बेकार सा एक्सपेरिमेंट ये हुआ है, सबसे अच्छा वाला एक्सपेरिमेंट ये हुआ है। मतलब मेजर्ड वैल्यू में से वो वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू ऐसे हम किसी चीज़ का पता नहीं कर सकते यार। ठीक है, कभी नहीं। ठीक है, ये कि मीन लेते हैं, एवरेज लेते हैं, ठीक है, उसी को एक्चुअल या ट्रू वैल्यू बोलते हैं। जैसे ये पेन है, ठीक है, इस अब तुम बाज़ार में जाओगे, इसी टाइप का जो कंपनी है जो पेन बनाती है, समझ रहे ना, इसी टाइप का अलग अलग 20 पेन बना दी,
तुम्हें पता है 20 पेन का लेंथ अलग अलग होगा, ठीक है, ये कहने की बात है कि सेम पेन है, ठीक है, जैसे इस टाइप का पेन है, ये पेन है मार्केट से लेके आते हो ये पेन, ठीक है, अब इसी टाइप का दूसरा पेन भी है, तीसरा पेन भी है, इस टाइप के 20 पेन है यही, ठीक है, लेकिन आपको पता है वो 20 पेन अलग अलग लेंथ है, कभी इम्पॉसिबल इस दुनिया में इम्पॉसिबल है कि ये एग्जैक्ट सेम हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि यार एरर आता ही आता हर एक एक्सपेरिमेंट में, तो ये जो सबसे अच्छी वाली जो वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू की बहुत ज़्यादा करीब है, उसी को बोलते हैं एक्यूरेसी ज़्यादा है, इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ये एक्यूरेट है, उसके बाद ये एक्यूरेट है, उसके सबसे कम ये एक्यूरेट है, तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि हाउ क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, हम एक्चुअल वैल्यू के कितने क्लोज हैं, उसी को प्यारे बच्चों बोलते हैं एक्यूरेसी, ठीक है, तो एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिफर फ्रॉम इट्स वैल्यू द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, इन्होंने एक्यूरेसी एक्यूरेसी एक्सटेंडेड टू मेजर्ड वैल्यू ऑफ गिवन स्टैंडर्ड टू द वैल्यू ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, आई होप कि एक्यूरेसी समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलो तो एक्यूरेसी अरेंज कर सकते हैं ना, इसकी सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी इसकी है, सबसे कम एक्यूरेसी ऐसी है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, एरर कम है, ठीक है, इसकी एक्यूरेसी क्या है, समझ रहे, सबसे पुअर है, एरर ज़्यादा है, चलो तो ये एक्यूरेसी का सिंपल सा टर्म था, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, अब इसी का भाई है, ठीक है, इसी का जो छोटा भाई है, ठीक है, इसी के खानदान का है, ठीक है, तो एक्चुअली ये इसका जो छोटा भाई है वो बहुत दिक्कत करता है, ठीक है, प्रिसीजन क्या चीज़ होती है, ठीक है, चलो तो प्रिसीजन क्या चीज़ होती है, अब इसको समझो, चलो फिर वही दोबारा एक्सपेरिमेंट हम लोग रिपीट करते हैं, ठीक है, ये जो रॉड है, इस रॉड की लेंथ, ठीक है, कितनी थी, 5.6 लेंथ इसकी एक्चुअल लेंथ थी, मीन वैल्यू थी, एवरेज वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू थी, तो ये वाली इसकी एक्चुअल लेंथ थी, ठीक है, हमने असाइन कर दिया एवरेज लेके, ठीक है ना, चलो तो अब इसको हमने क्या किया, इस रॉड की, अब आपको पता है लेंथ मेजरमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप रॉड से मतलब, ठीक है, बहुत सारे डिवाइसेज है जिनसे आप लेंथ मेजरमेंट कर सकते हो, आप वेट मेजरमेंट करने के, सुनार के दुकान पर अलग डिवाइस है, सब्जी वाले के पास अलग है, जो ट्रक का वेट मेजरमेंट करता है उसके पास डिवाइसेज अलग हैं, ठीक है, आ रहा ना समझ में, तो अलग अलग डिवाइसेज हैं भाई, अलग अलग क्यों, क्योंकि हमें ज़रूरत है यार, हमें मतलब नीड है ऐसा, अब ये अलग अलग ज़रूरत क्यों पड़ी, अब मान लो 1 किलो सब्जी लेने जाते हो आप, समझना इसको, 1 किलो सब्जी लेने जाते हो, लेकिन सब्जी वाले के पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो 5-10 ग्राम सब्जी तो वैसे भी दे देगा यार, फ्री में दे देगा, वो आप बोलते हो 1 केजी सब्जी दो, आपको पता है ओके 1 केजी सब्जी कभी नहीं दे सकता, एग्जैक्ट जो आपका स्टेटमेंट है वो उसे रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है, वो 1 केजी से कम ज़्यादा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके ही देगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो उसके बस की ही नहीं, वो कंट्रोल ही नहीं है उसके ऊपर, उसी तरह से, लेकिन अगर इमेजिंग करो वही 1 केजी का वॉट, जो 1 केजी का बॉट जो यूज करते हैं, ठीक है, 1 केजी का बॉट जो यूज करते हैं, वही सुनार के दुकान पे जाओगे, अब सोना लेने जाते हो, अब सोना केजी के हिसाब से लो, ठीक है, तो 20-25 ग्राम सोना तो हमेशा ज़्यादा ही आएगा या कम आएगा, ठीक है, तो ये क्या है कि ये और सा है, ये नुकसान है, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ वहाँ दिख रही है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ नहीं दिख रही थी, छुपी हुई थी, नेगलेक्ट थी, समझना इसको, तो जब सुनार की दुकान पे हम जाते हैं तो वहाँ मेजरमेंट के लिए मिलीग्राम, ठीक है, ग्राम, इस टाइप से छोटे 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 वेट होते हैं जिनसे हम मेजरमेंट करते हैं, क्यों, पर फिर भी सुनार आपको 100% 10 ग्राम आप सोना बोलते हो तो क्या आपको पता है कि 10 ग्राम सोना कभी नहीं दे सकता, ठीक है, लेकिन वो कोशिश तो किया ना भैया, वो 10 ग्राम वो अपना, वो समझना इस चीज़ को, फील करना इस चीज़ को, वो 10 ग्राम आप सोने बोले, वो 10 ग्राम नहीं दिया, लेकिन 10 ग्राम के बहुत करीब दिया है, लेकिन अगर आप एक केजी वाले आलू के पास जाते हो तो 1 केजी आलू और इन दोनों में जब डिफरेंस लोगे तो इसमें डिफरेंस कम आएगा, सुनार की दुकान पर डिफरेंस एरर कम आएगा, और इसमें 1 केजी लिए तो इसमें ग्राम में जब कंपेरिजन करोगे एरर ज़्यादा आएगा, इसमें 100 ग्राम 20 ग्राम 10 ग्राम 15 ग्राम का ऐसे डिफरेंस आ जाएगा, और वहाँ 10 ग्राम लेने गए हो 10 ग्राम ऐसे भी लेके चले या 20 ग्राम हो गया है तो एक फन टाइप हो गया ना, उसे तो दुकान ही बंद हो जाएगी यार, तो अलग अलग डिवाइसेज है, अब अलग अलग डिवाइसेज कहने का मेरा क्या मतलब है, मान लो एक डिवाइस है जिसकी एक चीज होती है लिस्ट काउंट,
समझना इसको, लिस्ट काउंट, ठीक है। लिस्ट काउंट क्या होता है भाई? लिस्ट काउंट वो होता है जो मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लो एक डिवाइस की जो लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट वो 0.1 है, मतलब डेसिमल के 0.1 तक मेजरमेंट कर सकता है। दूसरे का लिस्ट काउंट 0.01 है, ठीक है ना, डेसिमल के 2 डिजिट तक मेजरमेंट कर सकता है। तीसरे डिवाइस का लिस्ट काउंट जो है 0.001 है, ऐसा मैं कर लिया, मेजरमेंट कर लिया, ठीक है। अब देखो इन तीनों डिवाइसेस से, इन तीनों डिवाइसेस, डिवाइसेस का नाम D1, D2, D3 मेजरमेंट मैंने रख दिया। अब मैंने इसी रॉड को, इस रॉड को अलग उन तीनों डिवाइसेस से मेजरमेंट किया। जब मैं पहले डिवाइस से मेजरमेंट किया तो मुझे मिलेगा 5.5.6, ठीक है। डेसिमल के एक डिजिट तक बाद ही मेजरमेंट करता है। मिनिमम मेजरमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का मिनिमम मेजरमेंट ही लिस्ट काउंट कहते हैं। तो मिनिमम मेजरमेंट कितना है? 0.1, डेसिमल के 0.1 तक ही पहला डिवाइस मेजरमेंट करेगा। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा वो बना है। दूसरे डिवाइस से मेजरमेंट किए तो ये आया 5.5 मान लो 5. डेसिमल के 2 डिजिट तक मेजरमेंट करेगा तो ये 2.3 मान लो, ठीक है ना, 5.23। तीसरे डिवाइस से हमने मेजरमेंट किया D3 तो ए आ जाएगा मान लो 5.521, ठीक है। तो 5.2 एक्चुअली 5.6। अब देखो अलग अलग डिवाइसेस से हमने इसको मेजरमेंट तो हमने कर दिया, अलग अलग डिवाइसेस से, तीन डिवाइसेस से मेजरमेंट कर दिया। तो प्रिसीजन क्या चीज़ होती है? प्रिसीजन मतलब डेसिमल के बाद कितना प्रिसाइज है, कितना रिजोल्यूशन तक मेजरमेंट हुआ है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। मतलब डेसिमल के बाद समझ लो कितने डिजिट तक मेजरमेंट हुआ, मोटे मोटे समझ में। जितना ज़्यादा डिजिट तक मेजरमेंट होगा उतना ज़्यादा, अभी एक वर्ड आएगा आप पूछोगे सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर, जितना ज़्यादा डेसिमल का मेजरमेंट होगा उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, उतना ज़्यादा हमारा मेजरमेंट प्रिसाइज है। मतलब ये जो तीसरा वाला डिवाइस है वो डेसिमल के 3 डिजिट तक मेजरमेंट करता, तो डेसिमल के 3 डिजिट मैं बोलूँगा कि ये ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है ना, ये ज़्यादा प्रिसाइज डिवाइस है, ये कम प्रिसीजन है, ठीक है, ये सबसे बीच का है। तो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज ये वाला है और सबसे कम प्रिसाइज ये वाला मेजरमेंट है। मतलब प्रिसीजन मतलब होता है हाई रिजोल्यूशन टू द लिमिट, लिमिट या रिजोल्यूशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मतलब डेसिमल, सिंपल समझो कि डेसिमल के कितने डिजिट तक मेजरमेंट कर सकता है उसको मैं बोलूँगा प्रिसीजन या लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें क्या दिक्कत आती है, ठीक है, समझ में आ गया ये, चलो इसमें क्या दिक्कत आती है प्रिसीजन में कि डेसिमल के बाद कितने, बट अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन में देखो अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखो ये देखो, अब इसकी लेंथ है 5.6 है, एक्चुअल लेंथ इसकी 5.6 है। मैंने एक बार जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक्चुअल लेंथ कितना आया, एक्चुअल लेंथ आया 5.5, ठीक है। अब मैंने दूसरी बार जब एक्सपेरिमेंट किया तो मैंने जो लेंथ पाया वो पाया 5.32, ठीक है। अब देखो इन दोनों को समझो, प्रिसीजन समझ में आ गया ना, डेसिमल के बाद हाई रिजोल्यूशन कितने लिमिट तक डिजिट मेजरमेंट होता है, जितना ज़्यादा प्रिसीजन होगा उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे बुक में ऐसे मतलब लिखा हुआ है कि जितना ज़्यादा प्रिसाइज होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, ये गलत बात है। प्रिसीजन एक्यूरेसी डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो भाई इसमें ये देखो, ये वाली जो वैल्यू है दो, अब ये आपको पता चल रहा होगा कि दो अलग अलग डिवाइसेस से मेजरमेंट किए गए हैं, ये तो क्लियर है ना भाई, ये अलग अलग डिवाइसेस से मेजरमेंट किए। अगर मैं 5.0 लिखता हूँ और मैं 5.00 लिखता हूँ और 5.00000 लिखता हूँ तो इन तीनों में अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। एक ऐसे डिवाइस से मेजरमेंट किया गया जो डेसिमल के एक डिजिट के बाद मेजरमेंट करता है और दूसरा डेसिमल के 2 डिजिट, तीसरा डेसिमल के 3 डिजिट के बाद मेजरमेंट करता है। मैथमेटिकली नहीं है ये, फिजिकली फिजिक्स में तीनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होकर रहे हैं और तीनों का मीनिंग अलग अलग है। तीनों का मीनिंग ये है कि ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ोगे, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें
चार है। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल के बाद उड़ा नहीं दोगे, उड़ाना नहीं है यार, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं उड़ा देते हैं, उड़ाने के कुछ रूल होते हैं। तो चलो हम बात करते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन की। पहला वाला, पहले वाले को अच्छा से देखो, पहला वाला 5.6, फर्स्ट वाला मो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, 5.6 के करीब है, 5.6 के ज़्यादा करीब है। जो फर्स्ट वाला डिवाइस है वो बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट किया है, बहुत जो है पास मेजरमेंट किया है, लेकिन दूसरा वाला जो डिवाइस है वो पास तो मेजरमेंट नहीं किया है 5.32, बट डेसिमल के दो जीडी तक बाद, डेसिमल के दो डिजिट के बाद मेजरमेंट कर दिया है। तो दूसरा वाला जो है, जो सेकेंड वन है, दैट इज मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट। और पहला वाला क्या है? पहला वाला जो है लेस प्रिसाइज है बट मोर एक्यूरेट है, ठीक है, मतलब प्रिसाइज कम है लेकिन एक्यूरेट ज़्यादा है, ये प्रिसाइज ज़्यादा है एक्यूरेट कम है। इसका मतलब ये हुआ प्रिसीजन और एक्यूरेसी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्रिसाइज है वो एक्यूरेट होगा और जो एक्यूरेट है वो प्रिसाइज होगा, ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई होगी आपके मन में, अच्छे से बैठ गई होगी। चलो तो ये अगर इसमें मैं और सारा बातें करूँ तो कुछ पॉइंट है, इनको आप समझ लो, ठीक है। पहला प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट वही है जो मैं समझाया हूँ, वही सारी बातें हैं दोबारा रिटेन में, ठीक है, कि ये जो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होते हैं मे नॉट बी एक्यूरेट। अभी मैं समझाया प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट नहीं हो सकते, एक्यूरेट प्रिसाइज नहीं हो सकते, एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन द एरर इन द इंस्ट्रूमेंट, एरर इंक्रीज होगा एक्यूरेसी डिक्रीज होगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अभी इसे पहले वाले में ही बताए थे, ठीक है, पहले वाले में बताए थे कि जो एरर ज़्यादा आया था वो कम एक्यूरेट था, जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के पास रहेगी उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगा, उसमें एरर कम आएगा। भाई फील करो इसको, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, ए प्रिसीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मेजर्ड वैल्यू इंक्रीज, ठीक है, यही मैं बताया, सारी बातें मैं बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। प्रिसाइज प्रिसीजन इंक्रीज करोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर इंक्रीज होगा, अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन द सिस्टमेटिक एरर और प्रिसीजन डिपेंड अपॉन रैंडम एरर। ये आपके लिए थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, अभी एरर पढ़ाऊंगा तो फिर भी आप इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर मतलब होता है जिसको हम ठीक कर सकते हैं, मतलब एक्यूरेसी सुधारा जा सकता है यार। अगर आप एक्चुअल वैल्यू के पास नहीं आ रहे हो 100% तो कभी नहीं आ सकते एक्चुअल के पास, लेकिन बहुत पास आ सकते हो ना भैया, ठीक है। बहुत ज़्यादा पास कैसे आओगे, बहुत ज़्यादा एक्चुअल वैल्यू के क्लोज कैसे आओगे? तो बहुत ज़्यादा एक्चुअल वैल्यू के क्लोज तभी आ सकते हो जब सिस्टमैटिक एरर, जो एरर आ रहा है जिसकी वजह से एक्यूरेसी घट रही है उसको कम करो ना भाई, जो एक्यूरेसी कम कर रहे हैं फैक्टर जिनकी वजह से एरर आ रहा है उनको कम करो तो एक्यूरेसी बढ़ेगी। अब वो एरर कौन से हैं, और जो भी एरर आते हैं उनको सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। कौन कौन से एरर हैं? इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो सकता है, बारिश हो सकती है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, आदमी पागल हो सकता है, ठीक है, आदमी लापरवाह हो सकता है, ठीक है, उसका दिमाग ख़राब हो सकता है, वो कहीं खोया रहता है, ठीक है। तो इस टाइप के, मतलब इस टाइप के एरर को हम कर सकते हैं, ठीक है, कम कर सकते हैं भाई। तो ऐसे हम कर सकते हैं, तो एक्यूरेसी को सुधारा जा सकता है, इम्प्रूव कर जाए, पर एग्जैक्ट 100% याद रखना, एग्जैक्ट नहीं मैच करा जा सकता। और प्रिसीजन एरर होता है रैंडम एरर हमें पता ही नहीं होता भाई क्यों आया, ठीक है भाई, प्रिसीजन डिपेंड अपॉन रैंडम एरर, ठीक है। अब प्रिसीजन रैंडम एरर हमें पता ही नहीं है, हमें एक्सीडेंटल एरर भी इसको बोलते हैं। कैसे आया भाई? हमने एक बार एक्सपेरिमेंट किया, कहीं से आ गया होगा आसपास से, ठीक है, फिर दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया, अनसर्टेन मतलब अचानक से जम पड़ गया, एक्सपेरिमेंट हो रहा था अचानक से कहीं से बाय डिफॉल्ट एरर आ गया यार, ठीक है, अब पता ही नहीं यार, उसका रीज़न ही नहीं पता है, ठीक है। लेकिन बार बार इसको कम करने का क्या तरीका है? जब वो बार बार आ रहा ना तो दोबारा भी आएगा, तीसरी बार भी आएगा, चौथी बार भी आएगा, है ना, आ तो रहा ना एक्सीडेंटल एरर, तो वो जितनी बार आ रहा उतनी बार एक्सपेरिमेंट करो और सभी का एवरेज ले लो, तो इस रैंडम एरर को डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है ना, कम नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते भाई, कम कर सकते हैं। चलो तो ये आपको समझ में आ गया होगा।